हेलो एवरीवन, बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं शिव तांडव का ट्यूटोरियल डालूं, तो सोचा कि चलो आज करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम कोई भजन इंस्ट्रूमेंटल बनाते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्टैंजर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि धुन सेम होती है और वो चीज़ फिर बोरिंग लगने लगती है। तो जैसे अगर आप मेरा शिव तांडव या अईगिरी नंदिनी देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत कम स्टैंजास उठाए हैं और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनता है फिर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शिव तांडव मैंने डी हार्मोनिक माइनर स्केल में, या जिसको डी हार्मोनिक माइनर मोड बोलना ज़्यादा करेक्ट होगा, उसमें बजाया है, जिसके नोट्स हैं डी ई एफ जी ए बी फ्लैट सी शार्प एंड डी। और सॉन्ग में जो मैंने नोट्स यूज़ किए वो बहुत सिंपल हैं। मैं आप लोगों को फिंगर बोर्ड दिखाती हूँ। देखिए, ये है स्ट्रिंग जी, ये है डी, ये है ए और ये है ई। नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है। ओके, इस सॉन्ग में जो नोट्स यूज़ हुए हैं वो देखिए, जी ए बी फ्लैट सी शार्प डी ई एफ, सिर्फ इतने ही नोट्स यूज़ हुए हैं। चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बजाया है। इसमें जो डी नोट है वो मैंने ओपन स्ट्रिंग पे ना लेकर के मैंने जी स्ट्रिंग में यहाँ पर फोर्थ फिंगर से लिया है। ओके, let's see the notes. सेकेंड टाइम भी वही चीज़ रिपीट होगी। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ फिंगर बोर्ड पर मेरे नोट्स समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक फिंगर बोर्ड चार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आप लोगों को पोजीशनिंग समझ में आ जाएगी ठीक से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के नोट्स हैं, सदा शिवम भजाम्यहम, तो ये थोड़ा सा स्लो बजेगा। ठीक है, चलिए नोट्स देखते हैं। इसमें मैंने एक्चुअली स्लाइड किया है सी शार्प नोट पे। आप चाहें तो डायरेक्ट बजा सकते हैं, यहाँ पे ये बजा सकते हैं। मैंने स्लाइड किया है, आप चाहें तो प्लेन बजा सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
और अगर आप देखें तो सेम ही नोट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको पहले स्लो प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद मेरे सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको क्लीन ट्रैक चाहिए तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आप खरीद सकते हैं उसे। और हैप्पी प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।